हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गई हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में 98 क्वेश्चंस हैं जो कुछ इजी टाइप के हैं दोस्तों। एंड पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में इजी क्वेश्चंस गलती होती है वही आपका सलेक्शन रोकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। एंड थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज पूरा कराया गया है। एंड मैंने TI-2 में 79 वीडियोज़ का प्रैक्टिस कराया हुआ है, और सभी वीडियोज़ को प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसका आधार क्या है? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा प्रक्रिया है जिसका आधार है शारीरिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ एंड मानसिक गतिविधियाँ। उपरोक्त सभी यहाँ इसका आधार है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है? तो क्या नहीं है इसको हमको देखना है। कौन है, शारीरिक शिक्षा द्वारा खेल नियमों को समझा जाता है, राइट है। खेल और शारीरिक गतिविधियां ये भी शारीरिक शिक्षा का विशेषता है। ग है, शारीरिक शिक्षा का आधार व्यायाम और खेल है, ये भी शारीरिक शिक्षा की विशेषता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ जो है, वैज्ञानिक विधि द्वारा जानवरों को प्रशिक्षित किया जाता है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? दोस्तों, तो आप सबको पता है, यूनान यानी ग्रीस में माना जाता है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन का क्या है? दोस्तों, तो ADEK वसा में घुलनशील विटामिन और BCH जल में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? दोस्तों, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता यानी देरी से जमता है। विटामिन के फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है दोस्तों, और यह इसकी कमी से थक्का नहीं बनता है। एंड आते प्रभावित होती है, पित्त की नली में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और प्रौढ़ावस्था में ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी के कारण होता है। तो आप सबको पता है, आयरन यानी कि लोहा की कमी से, लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। लौह तत्व की कमी से जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स किसकी कमी से होता है? दोस्तों, तो यह होता है विटामिन डी की कमी से। सूखा रोग यानी रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी को कैल्शिफिरॉल रासायनिक रूप से कहा जाता है, और इसको एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन भी बोला जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी के मुख्य है D2 और D3। D2 को कहा जाता है अर्गो कैल्शिफिरॉल, जिसकी कमी से टिटेनी यानी अस्थियों में ऐठन होता है। और विटामिन D3 जो है, जिसे कोले कैल्शिफिरॉल कहते हैं, जो सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। D3 की कमी से बच्चों में रिकेट्स, सूखा रोग, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, Type 2 diabetes होता है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन BC और H, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में पाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में विद्यमान हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो यहाँ पे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, वसा प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? तो दोस्तों, वसा प्राप्ति का प्रमुख साधन मक्खन है। नेक्स्ट, ओलंपिक वाक्य में बलशाली किसे कहते हैं? तो ओलंपिक जो मोटो है वो है सीटियस, आल्टियस, फोर्टियस, और एक नया शब्द जुड़ गया है कम्युनिटर। सीटियस, आल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, यानी कि फास्टर, हायर, स्ट्रांगर टुगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ, यानी कि बलशाली से तात्पर्य हुआ फोर्टियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे में छल्लों का रंग किस क्रम में होता है? तो दोस्तों, 5 छल्ले नीला, पीला, काला, हरा, लाल होते हैं। नेक्स्ट है, स्टार्च का मुख्य स्रोत क्या है? तो स्टार्च का मुख्य स्रोत है गेहूं।
नेक्स्ट है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों क्या है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत, तो यहाँ पे मांस हो जाएगा क्योंकि गेहूं जो ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज की रचना किसने की, तो किसने की दोस्तों बताइए, तो ओलंपिक ध्वज की रचना कब हुई यहाँ पे दिया है, तो 1913 में बैरन पियर डी कुबर्टिन ने किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। दोस्तों तो 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में करणम मल्लेश्वरी जो है भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतकर भारत की ओर से पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। नेक्स्ट दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन है, आप सबको पता है बैरन पियर डी कुबर्टिन। नेक्स्ट दोस्तों उस स्टेडियम का नाम बताइए जहां प्रथम एफ्रो एशियाई खेल हुए, तो वो स्टेडियम है जीएमसी बाल योगी स्टेडियम। क्या है जीएमसी बाल योगी स्टेडियम। प्रथम एफ्रो एशियाई खेल 24 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के बीच भारत हैदराबाद में जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में संपन्न हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, आप यहाँ पे दूध है, अंड पीतक है, मक्खन है, एंड ये सभी है विटामिन डी के प्रमुख स्रोत, और सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट दोस्तों रात्रि अंधता किसकी कमी से होता है, रात्रि अंधता यानी कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है विटामिन ए की कमी से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन कौन बनाता है दोस्तों, तो मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, अस्थि ऊतक, इन सभी में प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट दोस्तों मानव शरीर में भोज्य ईंधन है, तो भोज्य ईंधन कौन है, तो सबसे ज्यादा भोज्य ईंधन है वसा एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है ओलंपिक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं, तो 5 छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, जिसमें नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक, जो 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतीक होते हैं जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल को यह भी कहा जाता है, दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिस विटामिन सी जो है उत्तकों को कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखता है, घाव भरने का काम करता है, आरबीसी का निर्माण भी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक उद्देश्य सीटीएस का क्या अर्थ है, सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस एंड कम्युनिटर यानी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर एंड और तेज और ऊर्जा और बलशाली एक साथ, यानी कि सीरियस का क्या अर्थ होगा, फास्टर यानी कि गतिवान यानी कि तेज। नेक्स्ट है वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजक देश है, तो दोस्तों 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था भारत में, एंड 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुआ है, और 23वां संपन्न होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, एंड 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने 61 मेडल जीते हैं जिसमें से 22 गोल्ड 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एंड प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 हैमिल्टन कनाडा में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ओलंपिक ज्वाला कब प्रयोग की गई, दोस्तों ओलंपिक ज्वाला को बनाया था, सर्वप्रथम ओलंपिक ज्वाला को बात कहा गया है दोस्तों यहाँ पे, तो ओलंपिक जो ज्वाला है वो 1928 एमस्टरडम हॉलैंड ओलंपिक में सर्वप्रथम ओलंपिक ज्वाला को जलाया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर जलाया गया था दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
भारत में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो भारत में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1958 में दिया हुआ है यहाँ पे राइट, एंड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, आप लोग ढूंढ के थोड़ा बताइएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग यानी रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। और ऐसे भी डिग्री पूछेगा था डी थ्री की कमी से होता है। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी का किसका स्रोत है? तो विटामिन डी का स्रोत है। एंड नेक्स्ट है, विटामिन एंड खनिज के कार्य हैं दोस्तों, जो पोषक तत्व होते हैं, छह पोषक तत्व होते हैं जिसमें से तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा होता है, एक शरीर की रक्षा करने वाले, सॉरी दोस्तों एक शरीर की निर्माण करने वाले ऊतकों कोशिकाओं का एक प्रोटीन होता है, और तीसरा है शरीर की रक्षा करने वाले, रोगों से रक्षा करने वाले वो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स यानी कि विटामिन एंड खनिज लवण। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षण एंड नियमन यानी कि प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है, दूध तथा दूध से बने पदार्थ तथा मछली का तेल मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे दूध की बात कर दिया है, तो ये आपका मुख्य स्रोत होता है, विटामिन डी एंड कैल्शियम से भरपूर होता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों दूध, दालें, गेहूं, ये सभी प्रोटीन का स्रोत है, अनाज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, पालक तथा बंद गोभी मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों पालक जो है उसमें विटामिन सी एंड के दोनों पाया जाता है, बंद गोभी में ज्यादातर विटामिन सी पाया जाता है, तो यहाँ पे विटामिन के और विटामिन सी दोनों राइट होगा, तो यहाँ पे विटामिन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट सहायक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, नौवां एशियाई खेलों का आयोजन स्थल था। तो दोस्तों नौवां एशियाई खेलों का आयोजन स्थल कहाँ पे था? तो यह नई दिल्ली भारत में था। 1982 नौवें एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, जो भारत में संपन्न हुआ था दोस्तों। एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में प्रथम बार हुआ था, और नौवां एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में हुआ था, और प्रथम राष्ट्र एशियाई खेलों का जो शुभंकर था वो जंतर मंतर था, एंड नौवां एशियाई खेल 2022 नई दिल्ली का शुभंकर था अप्पू हाथी, ठीक है। एंड दोस्तों जैसा कि एशियाई खेल 19वां एशियाई खेल जो है 2022 जो 2023 में संपन्न हुआ हुआंगझोउ चीन में हुआ। नेक्स्ट है, दो एशियाई खेलों के बीच का अंतराल दोस्तों कितना वर्ष होता है? तो 4 वर्ष होता है। ओलंपिक खेल, एशियन खेल एंड राष्ट्रमंडल खेल, ये सभी 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। नेक्स्ट, पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? यह मनोविज्ञान से है। पर्सोना शब्द का होता है अर्थ मुखौटा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? तो ये अरस्तु जी का कहना है। नेक्स्ट है, ओलंपिया शहर कहाँ पे स्थित है? आप सबको पता है यह ग्रीस यानी यूनान में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम एफ्रो एशियन खेल किस देश ने आयोजित किए? तो प्रथम एफ्रो एशियन खेल जो है वह भारत में आयोजित हुआ 2003 से। नेक्स्ट है, प्रथम 2020 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो यह भारत ने जीता। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाने वाले सम्राट का क्या नाम है दोस्तों? तो आप सबको पता है उनका नाम है थियोडोसियस प्रथम, यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुआ था, और 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए
1200 वर्षों तक और 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इसको इस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर दोबारा से बैरन फियरडी कोवर्टिंग के प्रयास से 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुआ। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोस्तों वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है लिंग, आयु, पोषण एंड हेरिडिटी एनवायरमेंट, इस सभी आपका प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का आयाम नहीं है। तो दोस्तों व्यक्तित्व किसी की पर्सनालिटी को आप उसके सामाजिक स्तर, शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम से देखते हैं, आर्थिक आयाम से नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रथम एशियाई खेल किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम व नवम एशियाई खेल कहाँ हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में हुआ था और नवा एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली भारत में ही संपन्न हुआ था। तो यहाँ राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल 2012 का आयोजन स्थल क्या था। दोस्तों ओलंपिक खेल 2012 लंदन ओलंपिक लंदन में संपन्न हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों इस बात को कहे हैं किसने कहा है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ। तो 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। तो एथेंस काल को कहा जाता है और ऐसे में देगा उत्तर एथेंस काल की पूर्व एथेंस काल, तो उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज के द्वितीय छल्ले का रंग क्या है। तो इसके 5 छल्ले होते हैं, 5 रंगों के, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। तो नीला पीला यानी पीला है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास करना व्यक्ति का यानी सर्वांगीण विकास करना है, यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट होगा। नेक्स्ट वर्ष 2010 तक कितनी बार एशियाई खेल हो चुके हैं। तो दोस्तों यह 14 बार वर्ष 2010 तक हो चुका था एशियाई खेल और 2022 में 19वां एशियाई खेल ह्वांगझोउ चीन में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 4.1 कैलोरी किलो कैलोरी। दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एंड 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल है, आप सबको पता है, हॉकी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिएगा। मैंने गूगल पे भी किया तो वहाँ पे 2012 लंदन ओलंपिक 2012 से स्टार्ट दिखाई दे रहा है। इसका एग्जैक्ट आंसर मैंने नहीं पाया है लेकिन बुक में दिया है 1995। तो दोस्तों इसको सस्पेंस रखती हूँ आप लोगों पर, आप सभी लोग इसको खोज के बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे सस्पेंस पे रहेगा, यहाँ बुक में आंसर दिया है 1995। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर। नेक्स्ट दोस्तों शारीरिक शिक्षा के आयाम है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये सभी शारीरिक शिक्षा के क्या है, आयाम है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है खेल एक है क्या है। दोस्तों खेल एक मनोरंजन क्रिया है। नेक्स्ट है वातावरण संबंधित है। तो वातावरण किससे संबंधित है, तो प्रकृति से संबंधित है। नेक्स्ट है खेल प्रदर्शन निर्भर करता है, किस पे निर्भर, धन पर, कि समय पर, कि मित्र पर, कि अभ्यास पर। तो इजी से क्वेश्चन है।
तो अभ्यास पर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस से ही कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2006 तक कुल कितनी बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हो चुके थे? तो दोस्तों वर्ष 2006 तक राष्ट्रमंडल खेल जो है वह आयोजित हो चुके थे 18 बार। कितनी बार? 18 बार। एंड 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, खेल मनोविज्ञान के जनक हैं। तो दोस्तों मनोविज्ञान के जनक विलियम उंट हैं एंड खेल मनोविज्ञान के जनक कोलमैन ग्रिफिथ हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट खेल में प्रयोग होने वाले प्रकाश यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, लक्समीटर की लाइट मीटर की थर्मामीटर की टेंसियोमीटर, क्या बोला जाता है क्रिकेट खेल में प्रयोग होने वाले प्रकाश यंत्र को? तो इसे बोला जाता है लक्समीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप सबको पता है 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अभी तक भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो आप सबको पता है 180-120 आपका राइट होगा, mmHg। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति की प्रति मिनट सामान्य हृदय धड़कन क्या होती है? दोस्तों आप सबको पता है 72 बार होती है, तो उसके मिनिमम यहाँ पे हो जाएगा 60 से 100 बार। नेक्स्ट है, किसने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलो? तो इस बात को कहे हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो 1983 में जीता भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप को 1983 में जीता है। नेक्स्ट है, शारीरिक क्षमता का विकास किया जा सकता है राष्ट्रीय कूद के द्वारा भी, खेल कूद में भाग लेकर भी, बिना उपकरण व्यायाम के द्वारा भी, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है क्यों दोस्तों? तो मानव शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, उसी को संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, एक प्रमापीकृत धावन पथ यानी स्टैंडर्ड ट्रैक की लंबाई कितनी होती है? तो 400 मीटर होता है। नेक्स्ट है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो 1991-92 से शुरुआत हुआ, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। और दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। नेक्स्ट है, 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, किसने जीता था? तो वो थे मैरी कॉम, सुशील कुमार, विजेंद्र कुमार सभी। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष क्या था? तो आप सबको पता है 776 ईसा पूर्व से प्राचीन ओलंपिक खेल संपन्न हुआ था, शुरू हुआ था, जो 394 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किस देश को है? तो दोस्तों भारत को है, जो भी एशियाई खेलों के पिता कहे जाते हैं प्रोफेसर जेडी सोंधी।
नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त किया दोस्तों, तो वो है हॉकी। 1928 एमस्टरडम हॉलैंड ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, जिसके कप्तान थे जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में एक तरफ से केवल 11 खिलाड़ी होती हैं, तो दोस्तों प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होता है, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी इन उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष क्या था, तो 1896 में पनाथेनिक स्टेडियम की एथेंस में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है 15वें एशियाई खेलों का आयोजन स्थल है, तो 15वें एशियाई खेल का आयोजन स्थल है दोहा। ठीक है, 15वें एशियाई खेल का आरंभिक स्थल क्या है, आयोजन स्थल दोहा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब और कहां हुआ था, तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया था तथा कितने खेल शामिल किए गए थे, तो 11 देशों ने भाग लिया था और 6 खेल शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस शब्दों की रचना किसने की है, तो दोस्तों ये जो ओलंपिक मोटो है सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस, इसकी रचना फादर हेनरी डिडान ने किया था 1881 में। यहाँ पे फादर हेनरी डिडान आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 छल्लों का ओलंपिक चिन्ह बनाने का सुझाव किसने दिया था, तो ये ओलंपिक चिन्ह में जो 5 छल्ले होते हैं इसको बनाने का सुझाव दिया था बैरन पियर डी कुबर्टिन। नेक्स्ट है द्वितीय ओलंपिक खेल कब और किस देश में संपन्न हुआ था, तो आप सबको पता है कि प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में शुरू हुआ था एंड द्वितीय ओलंपिक 1900 पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ था, जिसमें भारत ने प्रथम बार भाग लिया था और प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया था 1928 एमस्टरडम हॉलैंड में, दोनों में फर्क समझिएगा। नेक्स्ट है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, जो 2012 लंदन ओलंपिक में 2012 लंदन ओलंपिक में यह कांस्य पदक जीती थी, कौन, साइना नेहवाल। ठीक है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था दोस्तों, तो प्रथम एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में संपन्न हुआ था, इसका शुभंकर था जंतर मंतर। नेक्स्ट है विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, दोस्तों ये गलत है असत्य है, क्योंकि विकास जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 16वीं एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ था, तो यह चीन में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है 16वीं राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट का स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो यह जीता था दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी यानी ख राइट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, तो दोस्तों बुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। नेक्स्ट है खेल क्रियाओं में थकान का कारण क्या है, तो आप सबको पता है कि लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है और मांसपेशियों को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे लैक्टिक एसिड की बढ़ने लगता है और जिससे शरीर में थकावट होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।